मुख्यमंत्री के रूप में आपको ही सर्वाधिक पसंद किया गया है, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन वोटिंग की, और हमने देखा कि किस तरीके से जब अमित शाह जी की रैली के लिए आप कश्मीर की घाटियों का दौरा कर रहे थे, ऐसे दूर दराज के इलाकों में पहुंच रहे थे जहां आज तक कोई बीजेपी अध्यक्ष नहीं पहुंचा था, वहां पर आपका लोक कलाकारों द्वारा स्वागत किया जा रहा था, पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया जा रहा था, आपकी सभाओं में लोग उमड़ रहे थे। तो एक आपने भी अपना एक कद खाली जम्मू के नेता का तक नहीं रखा, आप पूरे कश्मीर घाटियों के गलियों गलियों तक पहुंच चुके, ऐसा हमको देखने में वहां पर लगता है। तो आप ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में अब हम देख रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, आपसे काफी पीछे हैं सर्वे में। जम्मू कश्मीर की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है, जी बहुत इज्जत बख्शी है, जी बहुत मान सम्मान जम्मू कश्मीर की जनता ने हमें दिया है। इसके जी लिए मैं हृदय से आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी जनता को, आवाम को नमन करता हूं। मैं अपनी आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। हम जी जनता के सेवादार हैं। जी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने लाल किले से कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, देश का प्रधान सेवक हूं, जी और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के पदचिह्नों पर चलता जी है। और हम भी जम्मू कश्मीर के 1,50,00,000 लोगों के सेवादार हैं, जी खिदमतदार हैं। खादिम जी हूं मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का, यहां की जनता। जी और हमने हमेशा बिना लालच, बिना किसी स्वार्थ, पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। जी मैं बचपन से संघ का स्वयं सेवक, जी प्रचारक रहा। जी आज भी मेरा कोई घर परिवार नहीं, जी कोई गृहस्थ जीवन नहीं। जी हमारा सब कुछ हमारा देश है, इदम राष्ट्राय इदम नमः। जी हमारा जो कुछ है हमारा जी देश के लिए है। जी हमारी प्रॉपर्टी, हमारी संपत्ति हमारा देश है, जी और हम उसी भाव से काम करते हैं जी जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी साहब काम करें। जी और इसलिए चाहे अध्यक्ष के नाते से मुझे जनवरी 2023 में 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे, या जी उससे पहले विधायक के नाते, और उससे जी पूर्व में युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष के नाते से, हमने पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में काम किया। जी क्या हिंदू तो क्या मुसलमान, क्या सिख तो क्या ईसाई, क्या जम्मू के हमारे डोगरे, गुजर, जी बकरवाल, पहाड़ी कबीला, कश्मीर जी के लोग, विस्थापित लोग, जी समाज के हर वर्ग का दुख हमने बांटा। हर जी मुसीबत में हम खड़े हुए, जी गोलियों की बौछार होती थी, हम वहां पहुंचते हैं। जी अगर कोई हिंदू परिवार में गोली चली या मुसलमान परिवार में चली, जी हम हर उस शहीद के घर पहुंचे, हमने नमन किया, और जी परिवार के साथ खड़े रहे, आम जनता के साथ खड़े रहे। जी और जिस प्रकार हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए जो डेवलपमेंट के यहां काम शुरू किए, जी उसी का परिणाम है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद है। जी हमने जम्मू तो 1947 से बीजेपी का गढ़ रहा है, जी लेकिन अब हमने कश्मीर में भी खाता खोल लिया है। चाहे जी पंचायत के चुनाव हो, ब्लॉक जी समितियों के अध्यक्षों के चुनाव हो, जिला परिषद के चुनाव हो, जी और आने वाले दिनों में जब विधानसभा के, असेंबली के चुनाव होंगे, पूरे जम्मू कश्मीर में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जी जो सर्वे एक बहुत बड़े एक नेशनल न्यूज चैनल ने किए हैं, जी
इसमें जो 1 लाख से ऊपर ऑनलाइन जी जम्मू कश्मीर के लोगों ने भाग लिया जी और उसमें अधिकांश लोगों ने जी इस बात पर सहमति जताई कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जम्मू कश्मीर में जी लोगों को न्याय मिला है, इंसाफ जी मिला है, जी यहां विकास कार्यों में तेजी आई है, जी भ्रष्टाचार यहां उस पर लगाम लगाया गया है, जी गुंडागर्दी आतंकवाद को काबू किया गया है, जी देशद्रोही शक्तियों पर कड़ा प्रहार किया गया है जी और देशभक्त हुब्बुल वतनी का जज्बा रखने वाले लोगों को मान सम्मान और इज्जत दी गई है। उसी का कारण है जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने से पूछा गया उस सर्वे में, तो जी उन्होंने कहा कि यहाँ के जो लोकल स्थानीय राज्य के स्टेट पॉलिटिकल पार्टी से कई गुना ज्यादा नरेंद्र जी मोदी साहब की सरकार और बीजेपी जो है हमारे लिए फायदे की पार्टी है। और उन्होंने ये भी कहा बीजेपी जो कहती है वो करती है। और जी उस सर्वे में ये स्पष्ट नजर आता है जी जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा अगली रहने सरकार दीजिए। बीजेपी की होगी और अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।